पिजावर के बड़ा गांव पहुंचकर समाज सेविका कंचन मल्होत्रा ने क्रिकेट टूर्नामेंट में सेमीफाइनल मैच का शुभारंभ किया, जहां सरपंच उमा देवी साहू ने फूल मालाओं से उनका आत्मीय स्वागत किया। और आज खेले जा रहे सेमीफाइनल मैच में पहुंची कंचन मल्होत्रा ने दोनों टीम के खिलाड़ियों का परिचय लिया और फीता काटकर मैच का शुभारंभ भी किया। इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए समाज सेविका कंचन मल्होत्रा ने कहा कि खेल को हमेशा खेल की भावना से ही खेले तो कोई भी खेल हो, एक टीम जीतती है और दूसरी टीम को हारना पड़ता है। जहां पर मन को उदास नहीं करे और पुनः प्रयास करते हुए अच्छा अभ्यास के साथ तैयारी करे, सफलता जरूर मिलेगी। आज का सेमीफाइनल मैच कंचनपुर और नया गांव टीम के बीच में खेला गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिजावर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।